चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गलनांक और क्वथनांक को समझाइए। न्यूनतम तापमान पर ठोस का पिघलकर पिघल कर द्रव बन जाना गलनांक कहलाता है। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख लें नोट में। बर्फ का जो गलनांक होता है, बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, एग्जाम में आ चुका है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है, या फिर बर्फ बन रहा है, या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बर्फ बन जाता है। जल बर्फ में बदल जाता है, इस चीज़ को याद कर लेना, बदल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको नोट आउट कर लें आप। जब आपको केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना हो, ठीक है, अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है, तो 273 से घटाया जाता है, 273 से केल्विन को घटाना चाहिए। एग्जांपल समझें, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, ठीक है। जैसे लिखा है 300 केल्विन, एग्जांपल में 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलिए, आ चुका है एग्जाम में, हाँ ऐसे क्वेश्चन। तो 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है, तो क्या बोला गया, केल्विन से सेंटीग्रेड में अगर बदलना है तो 273 से क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो 300 केल्विन माइनस 273 बराबर कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए तो हो जाएगा 7, और ये हुआ 8, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 300 केल्विन का सेंटीग्रेड में जो तापमान होगा कितना होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे समझ में। ऐसे ही अगला नोट, अगर सेंटीग्रेड को, यानी सेल्सियस को, इसी को सेल्सियस बोलते हैं, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो 273 से जोड़ना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए, ये क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे 270 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, इस बार क्या करना है, 273 को ऐड करना है, 273 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। आगे समझ में। तो याद रखना है, सेंटीग्रेड से केल्विन बदलने के लिए 273 को ऐड करना है, और अगर आप केल्विन से सेंटीग्रेड बदलना चाहते हैं तो फिर सब ऐड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूँ, दो क्वेश्चन दे देता हूँ, इन क्वेश्चनों को आपको आंसर निकालना, कमेंट्स भी करना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट्स करिएगा। पहला है 573 केल्विन सेंटीग्रेड में बदलना है, ठीक है, चेंज करना है। और दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, 250 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलिए। चलिए आपको समझ में अगर आ ही गया है, एक क्वेश्चन और ले देता हूँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलिए, ठीक है।
तो पहले डाल लेते हैं हेडिंग क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक हो गया। अब इसकी आते हैं डेफिनेशन में, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। उसे उसका मतलब द्रव का, उसे उस द्रव का, द्रव अगर पानी को उबाल रहे हैं तो पानी का क्वथनांक, ठीक ना, दूध को उबाल रहे दूध का क्वथनांक, मतलब जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बाउल करने लगे, ठीक ना, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं या उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, इसमें नोट कर लें। हाँ, जैसे ही देखो पानी का क्वथनांक कितना होता है, मतलब पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, तो याद रखना 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे हुआ तो पानी उबलने लगता है। इसी की दूसरी नोट अगर हम ध्यान दें तो पानी का जो गलनांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, बर्फ में बदल जाता है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो बर्फ बदल जाता है। जैसे अपने यहाँ का टेम्परेचर ठंड में 9 डिग्री जाता है या 6 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। अगर इतना जाए ना, 0 चल जाए तो सब चीज़ें, जितनी पानी वाली लिक्विड वाली चीज़ें होगी वो तुरंत, पानी वाली सब वाली नहीं, अब तेल नहीं होगा, लेकिन वाटर जो है तुरंत फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, मतलब बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो सेंटीग्रेड में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पानी का क्वथनांक जो है सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन कितना होगा, तो सिंपल सा क्या करेंगे, केल्विन बदलने के लिए क्या किया जाता है आपको याद ना, अगर हमको केल्विन बदलना है तो 273 से इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पानी का क्वथनांक किसमें, केल्विन में, तो 273 ऐड करो कितना होगा, 373 केल्विन, ये तापमान होता है। आगे समय तो याद रखना है, पानी का जो क्वथनांक होता है अगर हम सेंटीग्रेड में देखें तो 100 डिग्री, और वहीं अगर हम बात करें केल्विन में तो 373, उसका रीजन यही है। फिर से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको केल्विन से सेंटीग्रेड बनाना है, केल्विन से सेंटीग्रेड, तब आपको क्या करना है, 273 को माइनस करना है, ठीक है, घटा देना। लेकिन अगर आपको सेंटीग्रेड से केल्विन बनाना है तो फिर आपको 273 को ऐड करना है, किसमें, सेंटीग्रेड में, इस वाली वैल्यू में ऐड करना, और इसमें क्या करना, सबट्रैक्ट करना। चलिए, इस प्रकार गलनांक और क्वथनांक हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट।